Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो हे भगवते वासुदे ओम सरो अवतु सरो गोलार्थ सेवियो करवाई ते जपि अधि समयस्तु माँ निशावाई हरि ओम शांति शांति ओम प्रभो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तेन क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गीता तु गीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभत् मुख पद्मात् विनीत्रिता जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली मेरी माता बेटी बुजुर्गो और मेरे नेक विचारशील भाई भगवान जी की बहती एवं असीम कृपा के फल स्वरूप हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में सर्व कर रहे हैं या अपने कल्याण के लिए श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष सन्यास प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं आपको अब बातें बंद कर दूं, मेरी ओर देखो और प्रेम पूर्वक तत्परता के साथ श्रवण कीजिए। आपका बहुत कल्याण है, हर ध्यान दे दियो। आप बातें बिल्कुल बंद कर दिए, एक दूसरे को इशारा कर दिए, बस घर में टाइम दे दे, कल ढाई बजे घर में आ जाए। इस वक्त मेरे बच्चे सुनो मेरे भगवान जी की वाणी। महाराज जी की विशेष कृपा के फल स्वरूप ये प्रसंग धारणा का चला हुआ था। सच्ची बात है, जिस धारणा से भगवान की ओर मन पड़े धारणा वही धारणा। अगर ये धारणा कि मैंने इतना कमाना, मैंने इतना ये करना, मैंने संसार की वो प्राणी पदार्थ लेना, ये धारणा का परिणाम बड़ा गंदा। बस ले तो लोगे, धन भगवान दे देगा, जो कुछ भी आप चाहती हो तो भगवान ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से होगा मेरा दीव अर्जन, पर हम घाटे में रह जाएंगे, मुराद तो मिल जाएगी। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ मांगना, गीता तो कहती मांगने की जरूरत नहीं, क्यों प्रीडिटरमाइंड है, प्रारब्ध में मुकर्रर है। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, वो तुलसी चिंता जो करे भजले श्री रघुबीर। हमारे गुसाई जी का चोटी का फरमान, पहले बनी प्रारब्ध पाछी बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघु भी। तुरंत भगवान को भजलेगी तो सब मुकरण हुआ पड़ा, धन पदार्थ बीवी बाल बच्चे स्थान जो कुछ भी मिलना है वो भगवान ने पहले मुकरण कर दिया। तो पूरब के संस्कार, पूरब के संस्कार वो तो बिना ही है, उसकी चिंता नहीं। चिंता ये कि मैं परलोक बनाऊं, मैं अपने लोग बनाऊ। आप कहेंगे ये तो प्रारब्ध में होगा ना, शास्त्र कहता है ये पुरुषार्थ करना चाहिए, अर्थ और काम तो पहले बना पड़ा, जितना धन मिल रहा है जितने प्राणी पदार्थ मिले वो उसको बोलते हैं प्रारब्ध, लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान इसको कहते हैं कि तो और पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ कर। अगर आप कहें कि पूरब के संस्कार तो इससे बढ़ के पूरब के संस्कार अच्छे क्या, कोई बताने वाला एकांत आपके पास, श्रद्धा भगवान ने आपको दे दी है, आने का समय दे दिया, सब घर वालों के मुंह की जबाने बंद कर दी है, वरना वो सारे थोड़े श्रद्धालु हैं, सारे थोड़े सत्संग में आने वाले हैं। फिर भी भगवान की कृपा करके जो नहीं आना चाहते, जिनको सत्संग नहीं अच्छा लगता, वो भी आपको कहते तुम जाओ भाई, तुम्हारे तुम्हें रोकते नहीं खुद जाते नहीं, उनको बड़ी मेहरबानी है। देखो आप श्रीमान जी क्या कहते हैं, मुझे यूं कहती है तुम्हें रोकता नहीं हूँ खुद जाता नहीं हूँ, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, खुद तो आते नहीं। हाँ कहीं और ना गिट्ठी हो जाए चल चल के, और आपको वो रोकते नहीं, कहीं घर में बैठ बैठ के कहीं बीमारियां लग जाए, उनको ये घर में बैठे रहे बीमारी लग जाएगी, और हम चलेंगे तो गिट्ठी हो जाएंगे, रगड़े जाएंगे पैर हमारे, तो ये वो ना है, आपको तो नहीं रोकते, तो आपकी बड़ी मौज है। भगवान की ये बड़ी कृपा, सब वातावरण भगवान ने आपके अनुकूल कर दिया है, विशेष दया अंतर अंतर निधान की, अंतर भगवान जी की जो हमारे अंतर्यामी है। लीजिए अब आगे बढ़े, ये तो हमने रजोगुण तमोगुण और इंसान की स्थिति के बारे में जाना,
और मेरे भगवान जी बता रहे एक विशेष बहुत ही इंकलाबी विषय फिर शुरू कर रहे हैं, सुख तीन प्रकार का। ये गीता जी का 18वें अध्याय का प्रसंग बहुत ही कमाल का, जरा मेरी भी कान ले लो, चार कानों शरण कीजिएगा। देखिए उधर फिर आपने विस्मिन शुरू कर दी, विस्मिन तो बोलते कान फूसी, कानों और फूसी। देखो अब शब्द भी कहता है मुझे फिर बोलना पड़ता है, क्या करूं। फिर आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक इधर ध्यान दो ना, आप नीचे विस्प्रिंग न कीजिए। तो मेरे महाराज जी क्या कह रहे, तीन प्रकार के सुख, सुख भी तीन प्रकार के। क्या दूरदर्शिता है भगवान की, या क्या कमाल की खोज है भगवान की, क्या कमाल का रहस्य है ये भगवान का। सुख तीन प्रकार का, दो प्रकार का तो कहने कहने वाला है, सच्चा सुख तो एक प्रकार का है। पर भगवान जी का काम है कि हमें तीनों में मुकाबला करा के सच्चे सुख सत्वगुणी की ओर ले जाना चाहते हैं। कौन सा सुख? एक तो सत्वगुण के आधार पर, एक रजोगुणी सुख, एक तमोगुणी सुख। रजोगुणी सुख कैसा, तमोगुणी सुख कैसा और सत्वगुणी सुख कैसा, ये पहले दो प्रकार के जो रजोगुणी तमोगुणी है ये तो अस्थाई है, पानी के बुबले की तरह थोड़ी देर के लिए उठती है फिर बैठ जाते हैं। जो सदा रहने वाला वो सत्वगुणी है, जिसके लिए तलाश जीवों को पता ही लगता है कि सच्चा सुख तो सत्वगुणी है। वो कहां से मिलता है? वो बाहर से नहीं मिलता, वो भीतर से मिलता, भीतर से अभ्यास करते हुए जुड़ते हुए लगते हुए। मेरे से प्रसंग करोड़ों व्यक्ति इसी क्या अविद्या में या अज्ञानता में ग्रस्त है, या इसी अज्ञानता में मुब्तला, करोड़ों को ये पता ही नहीं, पता नहीं भगवान क्यों खुश हो रही है यूं कहते हुए। क्या जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। भगवान बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, दूसरों को अज्ञानता में देख करके वस्तु कही और ढूंढे कही तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि वाह है कहीं और ढूंढे कहीं जा रहे हैं। भगवान की खुशी का देखो क्या कह रहे हैं। अब ये प्रसंग जो चला भगवान मुझे ताकत दे मैं विस्तार पूर्वक सुना सकूं, क्या करेंगे बड़े एकाग्रता से। देवियों में फिर कहूंगा आपको, ये एक क्रांतिकारी भगवान का फरमान है, यानी बहुत ही इंकलाबी फरमान है। हजारों की बिगड़ी बनी है, भगवान कह रहे हैं हमारी भी बिगड़ी बन जाए। सुकंतु इदानी त्रिविधम शुरु मे भर्तृष्म अभ्यासातरमते यत्र दुखांतम च निगच्छति हरियो तत्सत् हरियो तत्सत् हरियो तत्सत्। हमारी सत्ता जिंदगी के रहनुमा हमारे भगवान कृष्ण अपने श्री मुख से गुल की शाह हुए। सुना मुझे भारत के सरदार तुम, सुन 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 सुना मुझे भारत के सरदार, सुन के सुख के दिन सामने है तीन गुल है। पहले वो सुख जिससे दुख दूर है, पहले वो सुख जिससे दुख दूर हो, मचर मश्क से जिसकी मसरूर हो। इशारा इशारतन वो जा रहे, आपने कमजोरी कहा है वो जा रहे। यू भगवान ने एक इशारा सा कर दिया, जैसे आपने पूछा मनोरी कहा है वो जा रहा है, कहीं पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर, कहां जा रहा है? आप वो जा रहा है। भगवान ने कहा ऐसा सुख जिससे दुख दूर हो, लेकिन ये कैसा सुख है जो खून पसीना एक करके मिलता है। इशारा किया सिर्फ, जरा मेरी ओर ध्यान देना बच्चों नीचे आंखें करके फिर आप देखो दबा बैठोगे। मैं तो बार बार आपसे कर रहा हूं ऐसे प्रसंग जिंदगी में बहुत कम करते हैं, बहुत कम। इशारा क्या किया प्रभु ने, आने के लाभ उठा लो। क्या ये सुख कैसा है जिससे दुख दूर हो, वो बहुत अच्छा है। ये कैसा सुख है खून पसीना एक करने के बाद मिलती है, क्या करेंगे? है पहले वो सुख जिससे दुख दूर हो, बशर मश्क से जिसकी मसरूर हो। मश्क कहते अभ्यास, अभ्यास कर करके मुसर्रत को प्राप्त कर लेता, जुड़ते जुड़ते वो इसको प्राप्त कर लेता। लेकिन कैसा, अब जब प्रश्न उठता है वो कैसा सुख है, वो किस प्रकार का, कैसे प्राप्त हो जाता है, अब मेरे भगवान जी इसके बारे में बताते हैं। लीजिए जिस सुख की सार को तलाश है लेकिन पता नहीं वो है कहां। भगवान ये 37 श्लोक पे आज चला रहे हैं, हम कई दिन लगा के इसकी बरीक बरीक चटनी बनाएंगे, इसको खूब समझने की कोशिश करेंगे। ये सुख का नहीं पता लगा कि असली सुख क्या है, भगवान आज बता रहे हैं यथार्थ सुख क्या है। रियल हैप्पीनेस, रियलाइज अवर रियल हैप्पीनेस। साइंस ऑफ इंटेलिजेंस सारी दुनिया के अंदर चल रही है, हम ढूंढ ढूंढ के मर गए,
इसमें उसमें कंतर में कामी में कीर्ति में लेने में देने में राग में द्वेष में लड़ाइयों में झगड़े में तानाबाजी में जरा व्यंग कसने में जरा एजगर एक्सीलेटर लगाने में बात का वतंगर बनाने में चिड़ी का तोता बनाने में तोता का कागा बनाने में और कागे की चील बनाने में और चील का शेर बनाने में और शेर का पहाड़ बनाने में हम लोग इतने लग जाते हैं जिनकी सारी हमारी तरफ हो जाती है। हम सारा अपना जीवन गवा बैठती है ये कर वो कर पढ़ाई कर ले कमाई कर ले शादी कर ले और शादी करने के बाद बहुत सी चीजें खरीद ले प्लाट ले मकान बना ले घूमने फिरने के लिए स्कूटर अलग श्रीमान जी का अलग है काके का अलग है और श्रीमती का अलग है और बाकी परिवार का स्कूटी निकल आई है वो अलग है क्या बात ये सारा कुछ अलग हो रहा है सारे घूम रहे हैं फिर रहे हैं लेकिन फिर भी हम देखते चेहरे पे मलाल है जलाल नहीं है चेहरे पे रौनक नहीं है चेहरे पे उल्लास नहीं है चेहरा ऐसा नजर आता है जैसे हारे हुए ज्वारियों हो चेहरे ऐसे नजर आते हैं बेटियों को जैसे क्या क्या बेड़ी बोड़े मल्ला हो बड़े हैरान परेशान में रहती है आहा लूजर इन एंड आउट लूजर डे एंड नाइट लूजर हियर एंड देयर व्हाई अरे इतने लूजर हम क्यों व्हाई आर वी आर गेनर व्हाई वी आर लूजिंग भगवान बताने जा रहे हैं मैं तो रिमाइंड कराने आया हूं मैं तो भगवान की ओर से रिमाइंडर हूं जो आप नेक जीवों को भगवान का संदेश उपदेश रूप में लाया महाराज जी कहती कह क्या रहेंगे गौर से सुनना इस श्लोक ने मेरे जैसों को तो रास्ते पे ला दिया और भगाने लग गए कि श्लोक के देख भगवान हम सारे भूले हुए अब इस उपदेश के सामने रखे हम सारे भूले हुए क्या करेंगे जबानी याद कर लो तो बहुत अच्छा है चलो जबानी ना करो कंठस्थ कर लो जरा कंठस्थ कीजिए आई रिमेम्बर माई नोट बहुत ही कमाल करें मेरे भगवान करें क्या 37 श्लोक ये हमारे जो मैंने कहा था 12 इंकलाबी श्लोक में से ये एक माना जाता है 12 इंकलाबी श्लोक में 37वां बहुत ही क्रांतिकारी स्तंभ बहुत ही रेवोल्यूशनरी भगवान जी का प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वेरी लेवरिस्टिक टीचिंग क्योंकि जन्म जन्मांत में गलत फहमी से बाहर निकाल लेते हैं ये अज्ञानता में हम ग्रस्त थे लीजिए भगवान ने कमाल कर दिया समझा दिया कि जिसकी तुझे तलाश है वो कहां है भगवान बताने जा रहे हैं सब जीव क्या चाहते हैं शांति चाहते और क्या चाहते हैं सब हमने जन्म लिया शांति के लिए पढ़ाई की शांति के लिए कमाई की शांति के लिए ढूंढ ढूंढ के मर गया लुगाई ले ली शांति के लिए श्रीमान जी हमने शेकन करते हुए बना लिया तो शांति के लिए बना इज्जत मान बढ़ाई बड़ी बड़ी पदवियां लिया बड़े बड़े अधिकार लिए बड़ा बड़ा आधिपत्य अपने हाथ में लिया ये सब शांति के लिए बड़ा ऐश्वर्य और बड़ी विभूति हमारे वार्ता बड़ी जाओ जलाल वो हमारे पास गहरे ये सारा कुछ क्या है ये सब शांति के लिए आराम के लिए चैन के लिए हमारी जो बंसी बजती है वो सब शांति के लिए लेकिन शांति है कहाँ सारी ढूंढ ढूंढ के मर रहे हैं इतने एजुकेटेड है और सब कुछ इवन देन वो फील एंड परसीव क्या रियल हैप्पीनेस उनके पास नहीं है उससे वो वंचित है आहा कोई इकट्ठे करके ले आया क्या झोली के अंदर अम्मा नहीं अम्मा जो ढीबे से पुकारने लगा अम्मा अम्मा मैं खुबे लाया खुबे आज खुब बनावेंगे खुबा बढ़िया मोजा बढ़िया परिवार शहर को गया था देख भाग में 20-30 लाया सारा परिवार खाएगा अब मां भाग भाग के आएगी सच देखा थप्पड़ और ये करेंगे ये खुबा के पद बेड़े ये सारे पद बेड़े एक जो वो खूब होती है बिल्कुल सीधी हो और पद बेड़ा तो जो ऊपर टोपी वाले उनको बोलते पद बेड़े ये क्या रहे समझ नहीं आएंगे हमारे सारे पद बेड़े हैं परमात्मा कसम जब गीता का ये श्लोक देखा जाता है हम कहते हैं हमें खुशियां भी नहीं भगवान ये फिटे हुए पद बेड़े सारे ये खुशी कहा है तो पद बेड़े सारे कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं ये खुशी कहा है उस खुशी को हम क्या कहें जो थोड़ी देर रहे या बिजली की चमक करे लक्षक आए और चली जाए उस खुशी को हम कहें थोड़ी देर रही और धोखा लेके चले गए ये कोई खुशी होती है एक भाई की शादी हुई बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल शादी हुई वो उसके पास रही मानिए 1 महीना 20 दिन रही हाँ उसने देख लिया लाल पल्ला गिल्ला सा है ये तो किसी काम का नहीं है तो गुगू है इसका तो खोता चंगा जरा 20 मन या 10 मन को आटा तो खा दे कुछ भी किसी काम का ही नहीं है शॉपिंग मुझे करनी पड़ती है बस ये यू करता रहता है अब वो छोड़ के चलेगी बाबा को तो काम मुझे भाग गया मार दिया ये तो आदमी तोड़ा है पजामा तोड़ा है ये तो कच्चा तोड़ा अंदर भी रही ये तो किसी काम के नहीं है ये इसको मैं क्या कहूँ यार मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती अब वो रोता करता गलियों में गाता फिरता है साढ़े नाल तो दुनिया वालों अनहोनी है हुई साढ़े नाल तो दुनिया वालों अनहोनी है हुई ना मैंने ब्याह कहे तो ना कोई कुआरा कहे कोई अब ना ब्याह में ना कुआरों में अनहोनी होगी मेरे साथ दुनिया वाले हैरान है कि सब कुछ हमारे पास है इधर कोई फील कि साढ़े नाल तो दुनिया वालों अनहोनी है हुई ना हमें कोई सुखी कहे और ना कहे दुखी कोई ना सुखों में है ना दुखों में है हम कहा है क्या हो क्या रहा है दरअसल जिस भगवान ने दुनिया बनाई ओमनी नेक जीव और कल्याण का मेरी मता और बेटी हो जिसने सृष्टि बनाई सृष्टि में नाना प्रकार के जीव बनाए और जीवों में मनुष्य बनाया और मनुष्य के लिए कहा था कि ये जो तुझे चाहिए वो तुझे इन तरीकों से मिलेगी इन तरीकों से तो प्राप्त करेगा अब भगवान राज खोल रही है सबसे पहले ईमानदार को यही बताना चाहिए था हमें समझाना चाहिए था कि जो है रियल खुश शांति आराम और चैन इन बातों में है अब बता मैं आपको बताऊं भगवान क्या कह रहे हैं अपने श्री रूप से क्या फरमा रहे हैं
वो सुख जिससे गा चलो दुख से निजात। नाना प्रकार के दुख दूर होते हैं। कौन से दुख? आदि व्याधि और उपाधि, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अब यथार्थ सुख, रियल हैप्पीनेस भगवान जी प्रकट कर रहे हैं। वो सुख जिससे गा चलो दुख से निजात, जिससे नाना प्रकार के दुख समूल 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 रूप से नष्ट हो जाते, यानी हमेशा के लिए दूर हो जाती है, समूल मूल से नष्ट हो जाती। क्या वो सुख जो दुखों को भगा देता है रूप से नहीं, बल्कि सदा के लिए, सर्वदा के लिए दुख दूर हो जाती है। ये कैसा सुख है? जो पहले जाहिर फिर आवे हयात। पहले जिसमें बड़ा कष्ट मिलता है, सुख में कष्ट, फिर क्या है? आवे हयात, अमृत की तरह फिर सुख की सुख है। पहले गए जहर फिर आवे हयात, पहले विष की तरह कड़वा लगता है, पहले विष की तरह कड़वा फिर आवे हयात, यानी अमृत की तरह मधुर, अमृत की तरह मधुर। अच्छा अच्छा, ऐसा सुख कहां कहां? इसी तरह ये प्रोग्राम, ये भगवान ने चलाया तरीका, जैसे राजहंस ने जाके क्या दमयंती को जब बताया था, दमयंती तुम उदास क्यों रहती हो? ये राजहंस से शाप मिला होता, पहले कोई और जीव था, फिर इसको इसलिए नर बोली भी जानता था, तो वो ऊपर उदास हताश बैठे थे, तो वो चक्कर काट रही थी अपने ऊपर ले मैं के ऊपर, तो राजहंस उड़ता हुआ मानस ने देखा कि ये तो राजकुमारी है और बड़ी उदास, आप उदास क्यों रहती है? ओ आप कौन? मैं अपने परिचय बाद में दूंगा, पहले तुम अपने विषय बतलाओ, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं हाँ माँ बाप को देखकर मैं बहुत उदास रहती हूँ। क्यों? माँ बाप इतने उन्होंने भेजे हैं, क्या नाई भेजी है, इतने ब्राह्मण भेजे हैं, मेरे अनुकूल कोई वर नहीं मिल रहा है, तो उनको उदास दिखते, माँ मेरी जब रोती है तो उसका गंदा प्रभाव मेरे पे पड़ता है, ये ना कैसा राजकुमार चाहिए आपको? तो तुम जानती हो मैं पूरी सहायता तुम्हारी करूंगा, मुझे बताओ तो सही हुआ है, वो कैसा चाहते तुम? इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का है, और माँ मेरे पिताजी कहते ये भी गुण होना चाहिए। हाँ ऐसा तो है, कहाँ? उसका नाम नल है, वो महाराजा है, उसका एक छोटा भाई है, और वो आप है, और सम्राट है, सम्राट जी एम्परर, नॉट ओनली किंग बट ही इज द लेटर सोर इज एम्परर, तेरे बादशाह ही सम्राट है। अच्छा कहां? अब उसका परिचय देता है, तो भगवान जी की ये बात सुनी ना हमने, क्या ऐसा सुख जो दुख की जड़ें काट देता है? हाँ, लेकिन एक बात है, पहले वो विष की तरह कड़वा है, लेकिन बाद में अमृत जैसा स्वाद आता है, तो फिर कहां मिलता है? फौरन जिज्ञासा होती है मन के अंदर, फौरन मन में फीलिंग पैदा होती है, फिर वेयर वी शुड लोकेट, है कहां, उसकी रिसर्च कहां की जाए, उसकी लोकेशन क्या है, उसको हम कहां ढूंढे, वेयर अबाउट उसके क्या है, ऐसे सुख के वेयर अबाउट क्या है, वेयर अबाउट उसको हम कहां ढूंढे, उसकी तलाश क्या करें, भगवान फौरन जवाब देती है, क्योंकि अंतर्यामी है ना, भगवान सर्व ज्ञाता है, पता है कि आने वाली पीढ़ियां तो जब यह उनके मुंह में पहुंच जाएगा, ऐसा सुख जो दुख की जड़ें काटते, ऐसा सुख, चलो भले ही पहले वो बड़ा जहर की तरह कड़वा लगे, लेकिन बाद में तो आधे हजार, बाद में तो नेक्टर है, बाद में तो वो अमृत की तरह निर्मधुर है, कहां कहां भागे, कहां जाए, किधर है? भगवान फौरन बता रहे हैं, वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, वो परमात्मा के ज्ञान से मिलता है, सतो गुण यही सुख है पहचान ले। सारी बात कितने में खत्म कर दी हमारे सरकार और हमारे मन के राजा ने, कितनी चलाक खत्म कर दी हमारे विदेशवर ने, हमारे प्राणेश ने इतनी चलाक खत्म कर दी, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। हाँ फूले भरतों को भगवान ने एक नई राह बता दी, एक रहस्य और तथ्य प्रकट करके रख दिया, क्या कमाल कर दिया, यह है इतना सा मेरे महाराज जी का बोल, और दुनिया वाले कितने पढ़े लिखे है, कितने स्कॉलर कहलाती है, कितने एजुकेटेड कहलाती है, जैसे वो अनुभव बड़े लॉर्ड लॉर्ड आए, स्कॉलर आए, एजुकेटेड आए, इंटेलिजेंट है, पता नहीं अपने नाम के साथ क्या कर जाती है, लेकिन नहीं उन्हें ये भी नहीं पता कि परमानेंट हैप्पीनेस हमें कहां से मिलेगी, वो बाल बच्चों की तरह और अनएजुकेटेड मूर्खों की तरह ढूंढते फिरती है, कल्चर में गांधी में कीर्ति में मोर मनी मोर वेल्थ मोर पेशेंस एंड मोर लस्ट एंड वर्कआउट, इन्हीं में अपने आपको लगा करते हैं, इन्हीं में अपने आपको ईटिंग ड्रिंकिंग एंड बैठिंग दैट्स ऑल, इसी में अपने आपको लगाती है, भगवान को बात बताएंगे वो सुख कहाँ है। मैं फिर कहना चाहता हूँ भगवान के इन शब्द को कूदने दो, जरा इस शब्द की प्रतिध्वनि होने दो, क्या वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, हाय डूबते को तिनके का सहारा,
बेटी हम यही तो चाहती है, कहां है वो सुख? वो सुख है कहां? है वो कहां है सुख? आह जैसे चंद्र हुए एक मैया और एक बहन कोई उसकी बेटी होगी। हाँ है बाबा, बाबा आप क्या खड़ी है? हाँ आपने वो काका देखा? हाँ मैंने देखा है। कहां है? कहां है? अब निकला कहीं से और चल जाओ, निकला कहां से? ये सिनेमा हॉल के परे गई उसका घर होगा, सीधा चल पड़ेगा। दुनिया जाती है आज मैं भी चलू, जब दुनिया चलती है मैं भी जाकर देख लू। आह कहां सत्संग होता है, क्या होता है? बूट पहना हुआ है, शानदार पहना हुआ, क्या बात क्या थी? स्कूल में जाने के बजाय वो इधर परम स्कूल में आ गया। और ये चल पड़ा ढूंढ ढूंढ कर घर में, कहता है आई माई गई है, बच्चा का बच्चा हमें भेज दिया, प्राण निकल गए। और वो इसी तरह हम लोगों के हम आपसे बाहर जाते हैं, भगवान कहती है वो सुख, वो सुख कैसा सुख जिसको कई जन्मों के ढूंढते हुए भरते हुए और हम लोग को मिला नहीं है, वो कहा सुख मिले आत्मा के ज्ञान कहीं ने बच्चा ने देखा, हाँ यही तो था और वो जा रहा हम लोग हैरान परेशान, तुम सब कहा है? वो आराम कहा है? वो चैन कहा है? वो करार कहा है? वो अंदर का ब्लिस, वो अंदर की हैप्पीनेस कहा है? वो भगवान फोन दबाते विद दैट वेरी वॉइस विद वन वॉइस भगवान पुकारती है, क्या सुख मिले आत्मा के ज्ञान। सतगुरु यही सुख है, पहचान यही सतगुरु सुख है जिसकी सबको तलाश है, लेकिन पता ही ढूंढते फिरती है, ये नहीं पता लगता उत्तर में है कि पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में, ढूंढ लाया पहले ये तो किसी जानकार से पूछ लिया होता कि वो सुख है कहां, मुझे बलदेव नगर जाना है, हाँ मैं चल पड़ा, वो मुझे ये नहीं पता बलदेव नगर पूर्व में है पश्चिम में है, धक्के खाता करता हूं। अब भगवान बता रहे ऐसा वगैरह भी नहीं बता रहे, कोई मां को भी नहीं बता रहे, कोई ब्रह्मा विष्णु में है भी नहीं बता रहे, कोई आठों देवियों में से कोई शेरा वाले भी बता रहे, मतलब भगवान जी जो जिनके सारे ये पानी भरते हैं ब्रह्मा विष्णु में एक शेरा वाली तो फलाने वाली तो ये वाली वो साल उसके पानी भरते हैं, वो महाराज जी खुद अपने शिवमुख से कह रहे हैं वो सुख मिले आत्मा के। और दुनिया वाले क्या कहती है? वो सुख मिले डिग्रियों से, वो सुख मिले क्या कमाई से, वो सुख मिले लगाई से, वो सुख मिले जो मैं चाहती हूँ श्रीमान से, वो सुख मिले यहां से और वहां से। भगवान कहते नो और नो और नो और, वो सुख कहां है? मिले आत्मा के ज्ञान से। हाँ ये सुख की तलाश वो मेरे अपने ही पास, हाय हमें मालूम न था। एक डाकू था, बड़े तरीके से डाका मारा करता था, कहा जाके वो अखबार लेकर बड़ी अच्छी वर्दी पहन कर ये नजर आए कि बहुत राजखानदान बड़ा अमीर है, अखबार ले रही कुकू को ये नहीं पता कि अखबार सिद्धि क्यों पड़ जाते हैं, उल्टी अखबार पढ़ता कभी की सिद्धि पढ़ा हुआ कहा नहीं, उसको तो कभी काला आपसे भैंस बराबर तो जगत चला जाता हाँ, और बैंक पे जाता कि ज्यादा रुपया कौन ड्रा करना, वो चार चार आंखों से ये देखता रहता ऐनक लगा रखी थी बड़े तेज शीशों की, चाहे जरूरत थी नहीं उनको ऐनक लेकिन तेज वो ये देखता रहता ताकों की तरह कि ज्यादा रुपया ड्रा कौन करता है, जो जिसने ज्यादा ड्रा किया उसे भी शामत आई है, जरा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है, जिसने ज्यादा रुपया ड्रा कराया उसकी शामत आई है, वह उसके पीछे चल पड़ता छाया बन करके, छाया बन के जाता ये कहां जा रहा ये स्टेशन से जा रहा बात उसी के पीछे रह जाता, बॉम्बे की टिकट सरकार ये पीछे बोलता है सरकार बॉम्बे की टिकट, अब उसके साथ चल पड़ता अब बॉम्बे फर्स्ट क्लास, सरकार फर्स्ट क्लास जेब में रखता था रुपए, अब फर्स्ट क्लास में गए गए बड़ी मौत बाहर दो ही थे फर्स्ट क्लास के अंदर, आहा आगे कोई तीसरा आ गया फिर चौथा आ गया गए। अब ये जब आराम करता से ये रात को उसके क्लोरोफॉर्म चिंगाकर एक एक तलाशी ले लेता रुपया मिलते हैं, उसने रुपया किया 5,000 ड्रॉ किया और उसने अपने पास रखा हुआ अंदर पैर रखी है मनीमो वाली जो है फतवी, अब उसके अंदर है वो हैरान होता है कि अंदर जेब जेब में तो है कुछ, अब एक ही रात रास्ते पड़ ली थी देख के मर गया, दोपहर को फिर उतरा फिर मर गया, अब अगले दिन वो उतरे बम्बे, बम्बे उतरा तो उसने कहा शेर साहब नमस्कार, नमस्कार क्या बात शेर साहब आपने फला का नाम सुना? हाँ वो तो डाकू है। शेर साहब कांप के नहीं, आप बाप और मैं आपका पुत्र, वरना मैं क्या करता, मैं दुनिया का बाप हूं बाकी सारे मेरे गुगु पुत्र है, आज मुझे कहना पड़ गया कि आप मेरे बाप और मैं आपका पुत्र, तो क्या बात? शेर साहब आपको तो पता नहीं होगा मैं तब से आपके पीछे हूं जब आपने ड्रॉ किया है बैंक से रुपया। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं आपके पीछे जाके आपने टिकट की मैंने वही टिकट की, ये सब डब्बे में आप बैठे मैंने आपका छाया बन के बैठा। शेर साहब आपके पास रुपया है? 5,000 है। बटन खोले ये देखिए भरी। शेर साहब
ये रात को आप कहाँ रखते थे? डॉक्टर आपकी नजरों से मुझे शक पड़ गया था कि आप ऐसे ऐसे कोई है। हमने खोते नहीं चलाए, हमने आदमियों में रह के आदमी चलाए थे। सेठ ने कहा बड़ी उम्र का था। अच्छा तजर्बाकार है आप तो। हाँ तो फिर आप क्या करते थे? मुझे पता लग गया कि आप कोई ऐसे वैसे हैं। तो जब मैं आपको काफी था पानी लिया रात को सोने से पहले, तो आप कहाँ जाते थे? वो पानी के स्टेशन के पास पाए लेने। तो 5000 रख करके मैं तेरे सराहने के नीचे रख गया। मेरे हाँ सो रख दी और क्या, तेरे सराहने के नीचे रख देता था। शपो और सराहना भी सेठ जी ने दे रखा था। दो सराहने थे इनके पास, एक इसको दे रखा था, मेरे सराहने नीचे। हाँ तो जब तुझे मैं सवेरे कहता था कि पानी लाओ मेरे शौक जाना, हाँ तो आप पानी लाते थे तो मैं तेरे सराहने से नीचे से निकाल देता और अपने उधर फतूई में रख लेता। ठीक था, थक लगा दी आपने मुझे, पूरी पूरी थक लगा दी इसके कुत्ते, थक लगा दी आपने मुझे, सर पे थक लगा दी। वो मैं समझता था मैं 30 मार खाऊ हाँ, पर आज मुझे पता लगा आप 60 मार खाए हैं, मैं 30 मार खाऊ। वो मैं तो बहुत पीछे रह गया। जब हम गीता जी के पैरोकार बनती हैं और भगवान पे पूरी देवियों और प्रेमी श्रद्धा लगाते हैं, पूरी श्रद्धा ले आती हैं, तो भगवान के जब इस प्रसंग पे आते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि माँ बाप ने इतना पढ़ाया, आपने आपको इंटेलिजेंट भी माना, आपने आपको बहुत एजुकेटेड कहा और बहुत ही अपने आपको स्कॉलर कहने लगे और पता नहीं क्या क्या अपने साथ एडजेक्टिव लगा करके नियम मिट्टू बनने लगे। जब भगवान का प्रसंग समझते तो फिर कहते फिट लानो तमी, ये सुख की मुझे जन्मों से तलाश, वो मेरे अपने ही पास। हमारा बुरा हाल डॉक्टर तो कहे वो सुख मिले आत्मा की और वो मेरे पास ही आत्मा सुनर्जन में, वो आत्मा मिल सकी जो है जानदारों के दिल में मकी। सतोगुण यही सुख है, कहकर ले परमानेंट हैप्पीनेस यही है और वो मेरे पास है इन टॉल दी विदन दी सो नियरेस्ट एंड नियरेस्ट सो नियरेस्ट तेते निकटतम प्रियतम, वो सुख है मेरे पास। एक बार तो विश्वास नहीं जनता, फिर कितना विचार करते हैं पता लगता है कि बात तो ठीक है। हमेशा रहने वाला सुख उसी से मिलेगा जो खुद हमेशा रहने वाला। हमारे से भूल गए हुए कि हम उन प्राणी पदार्थ से सुख लेते रहे जो हमेशा रहने वाले नहीं थे, टेम्पोरेरी थे। तो टेम्पोरेरी से टेम्पोरेरी सुख और परमानेंट से परमानेंट, क्योंकि लाइक बिगेट्स लाइक। जो वस्तु जैसी होगी वो वैसी तो हमें देगी ना। प्राणी पदार्थ टेम्पोरेरी, हमें टेम्पोरेरी हैप्पीनेस नहीं मिली, प्लेयर मिला, प्लेयर होते टेम्पोरेरी हैप्पीनेस होते परमानेंट। यह मुझे भूलिए ये टेम्पररी खुशी मिली है और शांति होती है दाएं बाएं। सथाई को बोलते हैं शांति, सथाई सुख को बोलते हैं शांति। तो हमें आरसी मिलता रहा, हमें मुस्तकिल नहीं मिला, तो वो अपनी भी तो चुके परमात्मा तो स्थाई है। हाँ और प्राणी पदार्थ तो अस्थाई है, अस्थाई से अस्थाई मिला, अस्थाई से अस्थाई मिला, बस बुद्धि पकड़ लेती है और छमछम रोती है तो है मेरी बात हुई हल। पैसे साथ पाया नौकर के सराहने के नीचे और वो ढूंढता रहा सेठ जी के जेबों के अंदर, जो कपड़े उतरे पड़े थे, जो कोट उतरा पड़ा था, इधर देख उधर देख यहाँ देख वहां देख, उनको बेहोश करके उनके नीचे सारा तलाशी ले ली, मिला कुछ भी नहीं। हाँ तो क्या पता था कि अपने को छोड़ के मैं उधर तलाश कर रहा हूँ है मेरे सराहने के नीचे। फिर इस बात को रख लीजिए, बात मने बिठाइएगा, हमेशा रहने वाला सुख उसी से मिलेगा जो खुद हमेशा रहे। तो इस त्रिलोकी में एक परमात्मा की जात है जो हमेशा रहने वाली है, बाकी रह रब दा नाथ रहना कुछ भी ना है, फकत एक वही जात किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात एक परमात्मा की जात ही बाकी रहे जो हमारे अंतरात्मा है। अब ऐसे हम विचारधारा बना लो तो बस सीधी बात है, जो हमेशा रहेगा वो हमेशा रहने वाला सुख होगा, जो चंद दिन रहेगा वो चंद दिन, जो टेम्परेरी है वो टेम्परेरी, जो परमानेंट है वो ग्रेट इन परमानेंट हैप्पीनेस फ्रॉम परमानेंट। सर इतनी बात नहीं जानी और क्या पारा पड़ गया कि परमानेंट से परमानेंट चीज नहीं, लाइफ बिगड़ लाइक है आर्गुमेंट, लॉजिक क्या है, लाइफ बिगड़ लाइक जैसे वो खुद है वैसे मिले उन्हें तो हम जिंस बा हम जिंस परवाज कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम पड़ा ये प्रॉवर्ब बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे परों वाले पक्षी उड़ा करते हैं। कभी आपने देखा तोतों के साथ कौवे उड़ रहे हो या कौवे के साथ चिड़िया उड़ रही हो या चिड़ियों के साथ लालियां उड़ रही हो या लालियों के साथ मोर उड़ रहे हो या मोरों के साथ हो उड़ रहे हो ना, मोरों के साथ मोर कागू के साथ कागे चिड़ियों के साथ चिड़िया, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे में उड़ेंगे। इस तरह आरसी आरसी के साथ उड़ती है, मुश्किल मुश्किल के साथ, स्थाई स्थाई के साथ उड़ेंगे, अस्थाई अस्थाई के साथ। गुड वेरी गुड आर्गुमेंट वेरी गुड लॉजिक। तो यह परमानेंट क्या है, भगवान जी और भगवान से जो चीज करेंगे वो सदा रहने वाली होगी, और जहान जहान टेम्पररी है, जहान शॉर्ट लिव्ड और मोमेंटरी है। बेटी और बुजुर्गों मेरे बच्चों विचार कीजिए, बुद्धि पर जरा स्ट्रेन कीजिएगा, जहान के हर प्राणी पदार्थ जो शॉर्ट लिव्ड है, तो जो चीज मिलेगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी, परमानेंट तो हो नहीं सकती।
बस यही नहीं पता लगा, मर गए जन्म जन्मांतरों में, ढूंढ ढूंढ के मर गए पता लगा। अब तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई, तब आई बसर है। अब आइए समझ छम छम होती है जब उम्र भी गुजरने वाली है। खुद ही लगाई आग तूने, घर का जला दिया। ओ खुद ही लगाई आग तूने और घर का जला दिया, दामन से अब वो आग बुझाई तो क्या किया। सब कुछ लुटा के वश में आए तो क्या किया, दिल में अगर चराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, है दिल ही में अगर चराग जलाए तो क्या किया। आप ही लगाई आग और घर जला दिया, फिर दामन से अगर आग बुझाई तो क्या किया। पहले खुद आग लगा दी, फिर अपना ही दामन लेके आग बुझाने लग गए। व्हाट फन, ये भी क्या मजाक भी क्या हो बेटे, खुद अपनी आयु गवा बैठी। सर इतनी बात न जाने कारण से कि परमानेंट हैप्पीनेस की लोकेशन कहां, परमानेंट हैप्पीनेस है कहां। भगवान का बहुत शुक्र, बहुत शुक्र के अवशेष आयु जो हमारी है, अब हम जुट जाएंगे लग जाएंगे, भगवान फरमा रहे हैं स्पष्ट कह रहे कोई बात नहीं। भगवान ने ये कहा पहले गए जहर फिर आबे हयात, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है, कोई बात नहीं। पहले कष्टों का कोई बात नहीं, बाद में तो हमेशा रहने वाला सुख है ना, बाद में तो अमृत को भी लज्जाने वाला आनंद और मुसर्रत है ना, कोई बात नहीं। जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी जाती है, लाइट कम्स लाइट गोज। चोरा दा माल ते लाठियां दे गज, चार पांच चोरा ने बजाज की दुकान पे सेंध लगाई, देवी और पांच छह आठ थान बड़े बड़े कीमती कीमती निकाल लिए और जंगल में गए और नापने लगे, तो क्या कोई गज थोड़ा ले गए थे, मीटर थोड़ा ले गए थे, क्या चार मीटर का एक मीटर, दो चार मीटर और पांच मीटर, पांच मीटर में पच्चीस मीटर चले गए, पांच मीटर में कितने चले गए बुतर पच्चीस, और चोरा ने तो पांच मीटर गए छे, तो चोरा का माल लाठियां दे, लाठी कितनी बड़ी होती है और गज तो छोटा होता है, कहा कितनी अच्छी, चोरा का माल लाठियां दे गज, चल चल दे कौन सी अपनी कमाई की हुई है। इसी तरह जो हमने सुख लिए है वो है ही ऐसे चुराए में, इससे उससे चलो न करे चोरा ने माल लाठी लगा दी, और ये मिले जो आत्मा की जान से, ये तो तप से जप से भजन से सिमरन से। लेखमंद आपका पुत्र शायद इतनी न कदर करे रुपए की, पर आपको कदर जब खून पसीना एक कर रहे हैं, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं कभी दिल्ली जा रहे हैं कभी आप कहीं जा रहे हैं, और वो नवाबजादा बैठे हैं आपकी कुर्सी पर डट के, उसको कमाई मिल रही है, बाप है बेचारा खून पसीना है कि जा रहा है, पुत्र कमाए तो कदर पाए, ये बाप को पता है कि कमाई कैसे की जाती है। इसी तरह कोई पहले जोर लगाए तब पता लगे कि दायम का नुकसान की क्या है, ये पहले गए जहर फिर आदि हो गया। जिनको खुद ना कमाई करनी उनको कर दो तो बहाएंगे, उनको कदर ही क्या कमाई की, अगर खुद खून पसीना एक करके ना कमाए तो उनसे पूछो कि कमाई कितनी मुश्किल की जाती, कितना खून पसीना एक करके कमाया जाता, एक करके कमाया जाता है। आहा आहा आहा, खासकर ट्रक वाले बोलते हैं ट्रकों की कमाई, हाँ क्या है, सांपों के मुंह से निकालने के समान, मौत के मुंह में से नोट निकालने के समान, कभी उल्टा पड़ा कभी टूटिया पड़ा कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी एक्सल नहीं थे कभी टायर नहीं थे कभी ये नहीं थे कभी वो नहीं। और बाकी जो नौकरी वाले हैं, हाँ इनकी तो खैर कोई हो, कितनी मुश्किल है, सांप को खुश कर फलाने खुश कर, मर जाती है नौकरी करने वाली वो करने वाली वो करने वाली, फिर भी वो खुश नहीं होती, इतनी आपको मुश्किल से उनको खुश करती है, इमीडिएट मास को फिर भी नाराजगी रहती है, कितनी मुश्किल कमाई। नौकर के बारे में कहावत सुनाओ बाबा सुना दे, हे नौकरी के बारे में कहावत सुना दू, हाँ नौकर दे नौ काम, नौकर दे नौ कम ए पालते चार नौ, नौकर दे नौ कम दस करे तो शाबाश तो अठ करे तो फिटे लाओ। काका मेरे से वो बातें सुना करो तो कोई नहीं सुना, नौकर दे नौ कम, नौकर नौ नौ कर नौ कम, नौकर करे नौ कम दस करे तो शाबाश पावे अठ करे तो फिटे पावे। मालिक तब खुश होता है जब नौ की जगह दस करे, तक मालिक को बड़ा लाभ हो, अगर नौ दिगा आठ करे तो फिटे लाभ, नौकर दे नौ कम दस करे तो शाबाश पावे आठ करे तो लानत खावे, आठ करे तो लानत खावे, यानी जिसका नौकर उसको बढ़ चढ़ के लाभ पहुंचाए बढ़ चढ़ के लाभ पहुंचाए बढ़ करके तब तो शाबाश होगी, अगर उसने जरा भी लाभ कम किया फिटे लाभ।
न कर दे नौ काम, दस करे तो शाबाश पावे, आठ करे तो लानत खावे। आहा, कहते कि कहावत अपने मन में रख ले, नौकरी कितनी मुश्किल होती है, नौकरी हाय हाय नौकरी, वो फिर इतना धन कमाना और इतने खुश करके, ये आप जानते हैं ना। इसी तरह जो आत्मा का सुख है, ये कोई करे जुटे, भगवान इसलिए कहा ये पहले गए जाहिर फिर आ गया ज्ञान, ये मिले आत्मा के ज्ञान से सतोगुण, यही सुख है पहचान। ये पहले हम जान लें किसकी लोकेशन कहाँ है, मेरी आत्मा के अंदर, आत्मा कौन सी जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है, आत्मा कौन सी जो मुर्दा मुझसे पूछा जाए, बिजली कौन सी, बिजली जो भाई हमारे माइक को चला रही है, जो मेरी आवाज को हर टाइम हाई करके आपके कानों तक बड़ी दूर तक ले जा रही है, वो बिजली हाँ जो इनके अंदर प्रवेश किए हुए है वो बिजली। इसी तरह वो आत्मा कौन सी जिससे ये मुर्दा शरीर चल रहा है, शरीर वैसे आपकी कसम भगवान की कसम मुर्दा है, सच होर की कोई झूठ मारे, कोई जहर घोले, कोई कुफर तोले, शरीर तो मेरा और आपका मुर्दा है, और मुर्दा शरीर नहीं आत्मा के कारण से एक एक अणु में ताकत है, परमात्मा जैसे इसमें बिजली के कारण से इतनी आवाज आ रही है, अगर बिजली को मैं परे कर दूं तो भवना भूत कुकड़ू को, बिजली परे हो गई, बिजली साथ हो गई, फिर वही आवाज, फिर वही सब कुछ। इसी तरह आत्मा, आत्मा है पता नहीं आपके से बाहर हो गया किस दिन प्रकट करना, जब भी प्रसंग बनता है मेरा मन आपके से बाहर हो जाता है, कोई पता नहीं मैं कभी आपके से बाहर हो गया। ये मैं जरूर जनता को बता देना चाहता हूं कि आत्मा कैसे शरीर मुर्दा और आत्मा कैसे निकल के ये मुर्दा हो जाता और कैसे मैं प्रवेश करे, मैं इतनी बात दिखा रहा था सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर, गई आत्मा और ये मुर्दा और आई आत्मा ये फिर जिंदा, वैसे ये मुर्दा है, सिर्फ आत्मा का प्रवेश किया भगवान ने, तो कहते हो ये चल हर धर्म कहते हैं फलाने मर गया तो हमेशा मरा हुआ था, सिर्फ आत्मा बीच में थी, ये माइक हमेशा मरे हुए माइक्रोफोन, लेकिन बिजली का प्रवेश हो जाता है तो ये अपना काम करने लग जाते हैं। अब ये हमारे पास ये पॉइंट है बिजली का इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये हमेशा मरा हुआ है, इधर से ऑन करती है करंट प्रवेश करती है तो इतनी रोशनी निकल जाती है, इधर हम ऑफ कर दें करंट गई बहुत ये फिर बबना भू, इसके बाद बार जानू जैसे कि जितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो मुर्दा है, जब उसमें करंट प्रवेश करती है तब वो अपना फंक्शन करने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर मुर्दा है, परमात्मा ने शक्ति आत्मा रखी हुई तो अपना अपना आंतरिक और बाह्य यानी इंटरनल उसका ना हर अंग अपना काम कर रहे उस आत्मा की बदौलत। वो आत्मा क्या है, वो आत्मा क्या है, आनंद का घर, उस आत्मा की बड़ी तप करके वहां पुष्ट जाना, वो सत्य है, वो चित चेतन है और वो आनंद है, सब चित आनंद, इससे बढ़ के परमात्मा की तरफ कोई नहीं कर सका दे। याद रखना परमात्मा सत्य है, बोले सारे परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद का घर है, आनंद का घर, ये तीन कहा गया सब चित आनंद, सब चित आनंद, सब जो हमेशा रहेगा, चेतन जिसके कारण से सारे पदार्थ चल रहे हैं, आनंद जिससे आनंद होता है, बस भगवान की परमात्मा का सब, इससे बढ़ के परिभाषा तारीफ डेफिनेशन नहीं हो सकती। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर, इससे बढ़ के नहीं तारीफ हो सकती। मैं रानिया कह रहा हूं व्यास के लिए बैठा हुआ, परमात्मा सत्य है चुके वो हमेशा रहता है इसलिए सत्य है, दुनिया असत्य है चुके चंद दिनों के बाद ये पांच तत्वों में मिल जाती है इसलिए दुनिया असत्य है, परमात्मा चिंतन है ये सब जड़ है, परमात्मा इनमें प्रवेश हुए हुए है तो जरा जरा अपनी रौनक दिखा रहा, परमात्मा अपने आप को निकाल लेता है, कहता चाचा जी मर गए, चाचा जी मर गए, क्यों रोते हैं जिसको तुम चाचा कहते थे हमेशा मरा हुआ था, सिर्फ भगवान ने अपनी आत्मा निकाचा जी देख गीता कही है चाचा तो है, भगवान ने तो अंग कट लिया, नहीं अंग नहीं कटिया, सारे अंग तो है फिर क्या मर गया, फिर नहीं हिलते नहीं बोलते नहीं अपना काम करते, भगवान ने आत्मा निकाल दी, जैसे हम रोगी आए बिजली ये पॉइंट मर गया, मर नहीं गया, बीच बीच में कर चली गई, बार बार की जान नहीं योग है, बार बार की जब भगवान चिंतन है और भगवान आनंद है, सब चित आनंद, सब चित आनंद, बार बार कहना चाहिए भगवान सत्य है चित्त है आनंद है, दुनिया इसको उलट है, दुनिया असत्य है, दुनिया जड़ है और दुख नहीं है, दुनिया बनाने वाला कह रहा है तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली तो कर सत्य दिल से नवाधार, बार बार पर विचार करें भगवान आनंद के घर है, क्यों आनंद के घर है, वो चेतन है चूंकि वो सत्य है, आनंद का घर कौन होता है जो चेतन हो, चेतन कौन होता है जो सत्य हो, लाजम अर्जुन का लाजम अर्जुन, आनंद का घर कौन होगा जो चेतन होगा क्योंकि जड़ घनी हो सकता, चेतन कौन होगा जो हमेशा रहने वाली सत्ता हो, इसलिए सत्य चित्त आनंद, दुनिया है असत्य जड़ और दुख, बिल्कुल उलट है दुनिया, इस बात को जानिए
वही मेरे हजूर हमारे सरकार कह रहे हैं पिछले वक्त, ये सुख हाँ जिससे दुख दूर हो, ये सुख जिससे दुख दूर हो, ये क्या है? पहले गए विष फिर आवे हया, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, क्या सतोगुण यही सुख है। कहे चंद हमारे सरकार हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण अपनी मुबारक जबान से फरमा रहे गए जी, और नेक जीव अपने मन में रख लो, वो सुख कहा है? मिले आत्मा के ज्ञान से। इतनी आपका बच्चा आपके घर में गुम हो जाए, सारा परिवार पुण्य लगा गुम हो गया, मर गया, कितनी तलाश होती है परमात्मा के लिए। काका गुम हो गया, सारी मुन्नी गुम हो गई, सारे गली मोहल्लों में रोते पीते आए, सारी मुन्नी देखी आपने, कोई मर गया तो रहने देना, काया में पिया सुविधा में। कितनी तो हमें भी हो जाए कि वो सुख जो भगवान अपने अंदर कह रहे थे, गली में जाना, मोहल्ले में जाना, पहाड़ों में जाना, कहीं घरों में या कंदराओं में नहीं जाना, कहीं किसी के तंग नहीं चाटते, क्या साइकिले कुछ साइकिले कुछ साइकिले अपने अंदर गोता मारना है क्या मेरे दुनिया की? वो अपने अंदर बाहर ढूंढने में तो बड़ी मुतादी है, बाहर कोई भी चीज प्राप्त करनी हो बाहर की बड़ी मुतादी, ओए धन चाहिए, ओए जान चाहिए, कोई वाकफियत चाहिए, जरा बाहर कोई चीज चाहो। हाँ पढ़ाई करनी है कितना मरना पड़ेगा, कमाई करनी है कितना मरना पड़ेगा, शादी करनी है कितना, सड़के पर थोड़ी करनी है जो है युवक और युवतियां के जाओ और पकड़ ले आओ। हाँ आजकल शादी तो बड़ी महंगी पड़ रही है, जबरदस्त महंगी। हाँ कोई संसार की चीज मांगो जरा देखो कितनी महंगी है, और हमने कहा आनंद चाहिए, आनंद तो अपने भीतर में है, आनंद तो अपने पास है, बस इसके लिए क्या हिम्मत है, मर्दाना चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, जरा लालसा चाहिए, जरा जैसे बच्चा गुम हो जाता है तो उसकी तड़प चाहिए, हाय हमारा काका बस हाय मेरा सुख, और वो मिले आत्मा के ज्ञान से। इसके लिए पहले जीव को जुटना, इसलिए मेरे भगवान ने कहा बुरे लगना पड़ता है, संसारी सुख फौरन मिल जाता है, फौरन मिला फौरन गया, ये सुख जरा है, पहले तो जहर है, जुटो लगो बढ़ो, अच्छी तरह निर्मल करो अपने आप को, चारों ओर से अपने मन को खींचो, जो कछुआ चारों ओर से अपने आप को सुकेड़ता है, सुकेड़े जो हर चाहे थे, बस ये मुश्किल पड़ जाती है नेक जीवो, कछुए की तरह अपने अंग नहीं सुकेड़े जाते, जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंग सुकेड़ लेता है, अपने भीतर जाता है, इसी तरह नेक को थोड़े जीव होती है जो अपनी वृत्तियों को चारों ओर से सुकेड़ लेती है, सुकेड़ा नहीं जाता, वह सुकेड़ा नहीं जाता रब्बा, बात इतनी है जो अपने आप को सुकेड़ ले चारों ओर से, अपने माइंड को विड्रॉ कर ले चारों ओर से, और सेंट्रलाइज हो जाए, विदन 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 भगवान के। इसलिए ये पहले है जहर, पुरानी आदत छोड़नी मजाक है, पुराने विचार छोड़ने मजाक है, पुराना संपर्क फ्रेंडशिप छोड़नी मजाक है, पुराना कॉन्टेक्ट और संपर्क छोड़ना मजाक है, मजाक नहीं है। या तो बड़ा तीर वैराग हो, हाँ, या मन में लालसा तीर पैदा हो, भ्रांति में रह गया, ये सुख मिले आत्मा के सतो तुम यही सुख है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे अपने मन में रखेंगे, थोड़ा करके हम इसे मन में रखते हुए इसकी पहचान करेंगे, और थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, आत्मा के निकट पहुंचेगी, अपने मन को समझाते हुए, मन को जरा विचार देते हुए, प्रबोध करते हुए, मन को प्रबोध करते हुए है, बढ़ निकलेंगे, बढ़ निकलेंगे, बढ़ निकलेंगे, थोड़ा करके स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, स्लो एंड स्टडी, थोड़ा पर लगातार, थोड़ा पर लगातार, आखिर ये बात जरूर हमारे मन में बैठ जाएगी। हार्दिक धन्यवाद।